हेलो गाइस, तो टेक्निकल लवर्स क्या हाल चले दोस्तों। यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले इंस्टाग्राम से बिजनेस अकाउंट कैसे हटाते। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड करके लिख के आ रहा है। तो दोस्तों ये मैंने बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट किया था, पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करके ले लेना है। तो किस तरह से दोस्तों करना है, क्यों दोस्तों, मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका रीजन ये है, जब भी दोस्तों आप लोग बिजनेस अकाउंट में यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हो अपना इंस्टाग्राम, तो दोस्तों क्या होता है, जब भी हम लोग यहाँ पर अकाउंट प्राइवेट करते हैं तो ये प्राइवेट नहीं होता, एक पॉपअप शो हो जाता है। क्योंकि ये अकाउंट बिजनेस अकाउंट है इसलिए ये प्राइवेट नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों इस अकाउंट को हमें नॉर्मल करना है। तो किस तरह से करना है, सिंपल दोस्तों क्या करना है, देखिए कॉर्नर में थ्री लाइन है, सिंपल इस थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट ऑल ऑप्शन दिखाई देता है सेटिंग एंड प्राइवेसी का। तो सिंपल क्या करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करके ले लेना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है, बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स। तो सिंपल दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके ले लेना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे स्विच अकाउंट टाइप का। तो देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है स्विच अकाउंट टाइप। तो सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके ले लेना है। चलिए क्लिक कर दे। और दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन आ चुके हैं, स्विच टू पर्सनल अकाउंट, स्विच टू क्रिएटर अकाउंट। तो सिंपल दोस्तों हमें यहाँ पर हमारा सिंपल अकाउंट बनाना है, पर्सनल अकाउंट जिसे कहा जाता है। तो क्या करना है, स्विच टू पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्लिक करके ले लेना है। देखिए एक पॉपअप शो हो चुका है, स्विच टू पर्सनल अकाउंट के ऊपर एक बार क्लिक करना है फिर से एक बार। और यहाँ पर ऊपर लोडिंग हो रहा है कॉर्नर में, आप लोग देखेंगे। सिंपल यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड तक यहाँ पर वेट करके बैक आ जाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं, ये देखिए ये हो चुका है पर्सनल अकाउंट में, और यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो ऑप्शन आ रहा था, जो लोगो दिखाई दे रहा था, वो अब यहाँ से नाम हट चुका है। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट में, पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।